अविष्कार की जननीय पुराने समय सभ्यताओं के किनारे जो अवशेष मिले उन्हीं से इतिहास की समग्र सामग्री हमारे को एकत्रित हुई तो स्टार्ट करते हैं प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़ने के लिए जो आप पेज पे देख रहे हो यूट्यूब चैनल फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़े प्रिंस सिविल सर्विस के से जुड़े और छोटी सी उम्र में आरस और आयस बनने का सपना साकार करे तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है कालेबंगा बेराट आड़ और बालातल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से स्थित है तो कालेबंगा सभ्यता किस जिले में हनुमानगढ़ जिले में बेराट की सभ्यता जयपुर में आहार सभ्यता उदयपुर और बालातल सभ्यता उदयपुर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है कालीबंगा बेराट बीजक की पहाड़ी महादेव की पहाड़ी महादेव की पहाड़ी अर्जुन की डोंगरी कि right किस सभ्यता को खा गया बेराड़ सभ्यता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बेराड़ सभ्यता किस जिले में जयपुर में अर्जुन की अर्जुन की गंगा कौन सी बाण गंगा और इस बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान में, में कौनसी पहाड़ियों से बैराट की पहाड़ियों से और बैराट की पहाड़ियां किस जिले में जयपुर में तो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता पर स्थित है बैराट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले गोसुंडी ओशिया नागदा बेराट, गोसुंडी चित्तौड़ तो गढ़, बाकी चित्तौड़गढ़ गडरिया ओशिया जोधपुर मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं ओशिया वो नागदा उदयपुर सास बहु का मंदिर कहां स्थित है नागदा उदयपुर बेराट, जयपुर बेराट, जयपुर सास बहु का मंदिर बहु का मंदिर कहा मंदिरों का शहर मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं तो ओशिया को मंदिरों क्या बोलते हैं शहर कहते हैं गोसुंडी शिलालेख महाभारत काल क्वेश्चन पूछा है अवशेष कहा मिले बौद्ध संस्कृति के अवशेष गोसुंडी ओशिया नागदा और बेराट बौद्ध संस्कृति के प्राचीन समय जयपुर में बैराट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बैराट की पहाड़ियां और बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है बाणगंगा किस नदी को अर्जुन गंगा रुंडित नदी खंडित नदी विखंडी नदी ताला नदी बोलते हैं बाणगंगा राजस्थान के इतिहास की, की एकमात्र ऐसी नदी जिसकी कोई सहायक नदियां नहीं है तो कौन सी बाणगंगा नेक्स्ट राजस्थान के राज्य में पुनर्गठन पूर्व सर्वप्रथम सन उन्नीस सौ चौतीस में तामर सागरी प्राप्त स्थान तहसील का स्थित है किंसरिया, कुराड़ा गांव कितलहर काल कालेटला राजस्थान राज्य के पुनर्गठन में पूर्व सर्वप्रथम सन उन्नीस में ताम्मा संस्कृति का प्राप्ति स्थल तहसील का गांव कौन सा है कुराडा गांव और कुराडा गांव का संबंध कहां से है नागौर से नागौर नागौर को अ छपुर ऐत्रपुर वह ओजोर नगरी कहते ओजार नगरी कौन सा सर खिला नागौर परबसर कौन सा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला कहा लगता परबसर नागौर राजस्थान का आय की दृष्टि से बड़ा पशु मेला तो कौन सा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला तो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन उन्नीस में ताम्र सागरी की प्राप्ति का स्थान परबसर तहसील का गांव कौन सा कुराड़ा गांव और कुराड़ा गांव परबसर परबसर तहसील जिला नागौर में वीर तेजा पशु मेला लगता है आय की दृष्टि सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला परबसर नागौर नेक्स्ट मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है नागौर जोधपुर उदयपुर चित्तौड़ मध्यमिका नगरी कहा स्थित है चित्तौड़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ किस दुर्ग के बारे में कहा गया है तो गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब किसके बारे में चित्तौड़ के बारे में चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो चित्रांगन मौर्य ने चित्रांगन मौर्य ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी किनारे आ बेड़च वह बामणी नदी किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन शाके हुए तेरह सो तीन पंद्रह सो चौतीस और पंद्रह सौ सड़सठ अड़सठ तेरह सौ तीन में रानी पदमनी और रतन सिंह के समय रानी करमावती बहादुर शाह और पंद्रह जयमल और पत्ता और पत्ता की पत्नी फूल तो मध्य में की नगरी किस जिले चित्तौड़गढ़ जिले में सॉरी सोरी चित्तौड़गढ़ नरे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है उदयपुर जयपुर बीकानेर और जोधपुर बालातल सभ्यता का संबंध किस जिले से कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया बालातल सभ्यता का संबंध उदयपुर से जिलों की नगरी पूर्व का वेनिस राजस्थान का कश्मीर किस जिले को बोलते हैं उदयपुर उदयपुर शहर में प्राचीन समय कौन सा राजवंश था उदयपुर में तो गुहिल व शिशोदिया राजवंश का आधिपत्य था शिशोदिया राजवंश पिछोला झील उदयपुर उदय सागर झील उदयपुर तो निम्न में से किस जिले में बालातल सभ्यता उदयपुर बालातल उदयपुर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है नागौर अलवर और बागोर कस्बा का संबंध किस जिले से है शिकर अरबान च... का बास अचंद्राकार आदि कटे नारियल के समान शिकर अतरपुर ओजोर नगरी नागौर पूरी प्रवेश द्वार रेड डायमंड सॉरी पूरी, पूरी प्रवेश द्वार अलवर वस्तर नगरी अब्रकन नगरी मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी बिलवाड़ा तो बागोर सभ्यता का संबंध कौन सी जिले से बिलवाड़ा राइट आंसर वस्तर नगरी अब्रक नगरी मैनचेस्टर टेक्सोटाइल सिटी तो कौन सा जिले का अपना नाम है बेलवाड़ा के बेलवाड़ा बागोर से कौन सी नदी कोठारी नदी कोठारी नदी का उद्गम कोठारी नदी बेलवाड़ा का बेलवाड़ा की लाइफ लाइन कौन सा बांध कहलाता है तो मेजा बांध और मेजा बांध किस नदी पर कोठारी नदी पर बेलवाड़ा में स्थित है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है सीकर नागौर अलवर और बीलवाड़ा तो बागोर कस्बे का बील से बीलवाड़ा से अब्रक नगरी मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन सा शहर कहलाता बीलवाड़ा बीलवाड़ा की लाइफलाइन कौन सा बांध मेजा बांध किस नदी पर कोठारी नदी पर किस जिले में स्थित है बीलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारत की टेक्सटाइल सिटी अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं कानपुर को और कानपुर का संबंध किस जिले से है उत्तर प्रदेश से तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो ये क्वेश्चन आगे नेक्स्ट जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है वार्ड में नगर टोंक रेड टोंक नगरी चित्तौड़ प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है तिलवाड़ा बाड़बे नगर टोंक रेड टोंक किसे कहा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो रास्ता किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है तो बिलवाड़ा राइट आंसर किस जिले में बारातर सभ्यता उदयपुर मध्यमेगा नगरी चित्तौड़ तो दोस्तों आज जो अपन ने क्वेश्चन देखे गागर में सागर बनने वाली प्रश्नोत्तरी में आप सभी का तय दिल से स्वागत क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक व शेयर करें आज के लिए इतना ही जैन सभी को